एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं रांची की खबर की ओर। रांची के मांडर विधायक बंधु तिर्की ने पिछले सत्र में उठाए गए सवाल पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड गठन के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के वरीय कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित कर सामान्य वर्ग के कनीय कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है। वहीं इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोगों ने पूरी चीजों को 365 पेज का पूरा परिशिष्ट सहित जितने कि हम लोगों ने ये रिपोर्ट माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा है और ये बिल्कुल ही एकदम मैंने जिसको कहा जाए प्रमाण के साथ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में जब कमेटी की बैठक चल रही थी तो हमारे सभापति जो दीपक बिरुआ जी है हम लोगों ने सारा निर्णय लिया था कि भाई जब तक जांच रही। और इधर लातेहार में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टीएसपी के सब जोनल कमांडर रविकांत उर्फ नरेश गंजो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी बालूमाथ थाना क्षेत्र के गिद्दी मोड़ के समीप जंगल से हुई है। गिरफ्तार नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां मिली हैं। बालूमाथ थाना क्षेत्र से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर रविकांत गंजू उर्फ नरेश गंजू की गिरफ्तारी हुई है। ये टीएसपीसी में सब जोनल कमांडर रैंक का हुआ करता था और इसके द्वारा कई कांडों को बालूमाथ और चतरा के इलाकों में अंजाम दिया गया है। यह उग्रवादी आक्रमण गंजू के दस्ते का सदस्य रहा है और उसके साथ मिलकर इसने लातेहार जिले चतरा जिले में लातेहार की खबर है जहां नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी पुलिस अधिकारियों को मिली है क्योंकि यहां की जो पुलिस भाकपा माओवादी जो बहुत बड़ा नक्सली है उसे गिरफ्तार किया गया है। सब जोनल कमांडर है टीएसपी का रविकांत उर्फ नरेश गंजो जिसे गिरफ्तार किया गया है बालूमाथ थाना क्षेत्र के गिद्दी मोड़ के पास से। ये नक्सली जो है बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर वसूली करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बेड़ू थाना क्षेत्र के वादनी जनसती टोपो के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनसती टोपो के पति से अपराधियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। कंप्लेन हम लोग को मिल रहा था कि संगठन के नाम पर नौकरी पेशा आदमी उनकी पत्नी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। वो आपस में बातचीत किए तो 1 लाख पे तय हो गया था कि 1 लाख तुमको देना ही होगा, नहीं तो फिर अंतिम रूप से तुमको समझना पड़ेगा, सिखाई उनको तुमको दे देंगे, बता देंगे कि क्या कर सकते हैं। मौत। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल परिसर में बॉयज हॉस्टल को 4 दिनों के अंदर ही खाली करने का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि हॉस्टल के 48 कमरों में छात्रों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जिसकी शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है। आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी रांची के आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ रिम्स छात्रावास आए थे जिसमें कि जानकारी मिली कि कुल 48 कमरे हैं जिसमें कुछ छात्र काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं जैसा कि रिम्स प्रशासन द्वारा बताया गया। उसी आलोक में हम लोग आज खाली कराने आए थे और कुछ कमरे पूर्व में ही खाली कर दिए गए हैं और कुछ कमरे जो कि खाली हैं परंतु ताला लगा करके छोड़ दिया गया था, उसका ताले को तोड़वाया गया है। उसकी जो भी सामान पाया गया है उसकी इन्वेंट्री बनाई गई है। और तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।